हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी टाइप की वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें, क्योंकि आपको इसी टाइप के वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। और आज अपन MPTET 2020 के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और जो कि कई एग्जाम में पूछे गए हैं। अपन उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं, और मेरी कोशिश रहेगी फ्रेंड्स कि छोटा से छोटा वीडियो रहे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रहें, और मैं कोशिश करूँगा अपनी ओर से अच्छा एक्सप्लेन करने की। बाकी जो भी आपको कमी लगे, आपका अपना चैनल है, आप बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ फ्रेंड्स, पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, और आप लास्ट में 30 आउट ऑफ कितने आ रहे हैं आपके, आप मुझे बताइएगा। 30 आउट ऑफ कितने प्राप्त कर पा रहे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सेम ऐसा ही एग्ज़ाम में पेपर आएगा फ्रेंड्स। तो अपने को एग्ज़ाम की दृष्टि से पूरा लेवल कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी, पश्चिमी घाट। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार पश्चिमी घाट, सहद्री उत्तर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद 200 सेंटीमीटर जहाँ अधिक वर्षा होती है, औसत से अधिक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, अपन क्वेश्चन नंबर टू पर चलते हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रेंड्स, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। रेगिस्तानी ओक में कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, सत्य नहीं है बताना। फ्रेंड्स, तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा, तो आपको तीन में से बताना है कि आपको कौन सा सत्य नहीं है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाने वाला वृक्ष? ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाया जाने वाले। सेकंड है, इसकी जड़ें कम गहरी होती हैं। थर्ड है, इसकी तनों पानी निकाला जाता। फोर्थ है, इसकी टहनियों से जड़ें निकाली जाती हैं। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला वृक्ष है। ऑस्ट्रेलिया पाया जाने वाला वृक्ष रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, करेक्ट आंसर। इसकी जड़ें कम गहरी होती है, करेक्ट आंसर। इनकी तनों में पानी निकाला जाता है, करेक्ट आंसर। तो और इनकी टहनियों से जड़ें निकलती हैं, एक इनकरेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स, अपने को नहीं बताना था। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चों खेलना पसंद करते हैं। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी टहनियों से बच्चे खेलना पसंद करते हैं। किस भौगोलिक प्रदेश में पाया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप चार ऑप्शन में बताएंगे करेक्ट आंसर कौन सा है। मैं वेट कर रहा हूँ, जब तक आपने टिक कर लिया होगा। तो चार ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर ए मैदानी, बी मरुस्थलीय, सी पर्वतीय, डी इनमें से कोई नहीं। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर, मरुस्थली इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, वह पौधा का भाग जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा व हरा दोनों होते हैं, वह अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में भी पहुंचाता है। उपरोक्त कथन पौधे के किस भाग में से बताता है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप टेक करेंगे। फ्रेंड्स, अपन पेड़ और पौधे नामक सिलेबस कंप्लीट करने जा रहे हैं, क्योंकि अपन टॉपिक बाय टॉपिक क्विज लगाते चलेंगे फ्रेंड्स, तो आपको काफ़ी प्रॉफिट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में, यह पौधे का वह भाग है भूमि पर रंग भूरा और हरा दोनों रहते हैं, अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भागों में ही पहुंचाता है, उपरोक्त पौधे में किस भाग में फूल बताता है? आई होप आपने टिक कर लिया होगा। तो फोर, जड़, तना, पत्ती, फूल। तो फोर का वी इज द करेक्ट आंसर, वी, तना इज द करेक्ट आंसर, तना। क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलेंगे, बाष्पोत्सर्जन क्या कहलाता है? फ्रेंड्स, बाष्पोत्सर्जन क्या पत्तियों द्वारा जल का बाष्प में निकलना, क्या जल के द्वारा जल का अवशोषण, क्या जाइलम द्वारा जसमहन, क्या फ्लोयम द्वारा फल। फ्रेंड्स, ये चारों ऑप्शन का जब तक मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आप अपना आंसर टिक करेंगे, जब तक मैं इनकी विस्तार से चर्चा करता हूँ। तो फ्लोयम मतलब जो पेड़ पौधों में पाया जाता है, वो फ्लोयम के अंतर्गत आता है।
जाइलम जो जल के अंतर्गत जैसे कमल हाइड्रा ये जाइलम के अंतर्गत आएगा। जड़ के द्वारा जल का अवशोषण जैसे मूली गाजर ये जड़ के अंतर्गत आएगा। और पत्तियों के द्वारा जल वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोजन कहलाता है। फ्रेंड्स पत्तियों के द्वारा इज द करेक्ट आंसर पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप चार ऑप्शन बताएंगे आपके अकॉर्डिंग क्या है। जिन पौधों में मूसलाजड़ होती है वो पत्तियों की सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में मूसलाजड़ होती पत्तियों का समंतर सिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में झगड़ा जड़ होती पत्तियों का सिरा विन्यास या डी। नो फ्रेंड डी इज द इनकरेक्ट आंसर। आप किसी में भी डी ए सोच के मत लगा दिया कीजिए कि डी 100% कन्फर्म आंसर होगा। आप बताइए ठीक है, आपके सामने एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पूछा जाएगा भारत की राजधानी क्या है, ऑप्शन में दे देगा ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी भोपाल और डी सभी। तो क्या आप सभी लगा देंगे? नहीं इनकरेक्ट। आप एक बार कम से कम ऑप्शन को पढ़ने की कोशिश कीजिए कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आई होप आपने लगा लिया होगा। तो 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। 6 का ए इज द करेक्ट आंसर। जिन पौधों में मूसलाजड़ होती है उनकी पत्तियों जल का सिरा विन्यास रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे और आप मुझे लास्ट में कमेंट करेंगे कि आपके आउट ऑफ कितने हो रहे हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है ए तने में, बी पत्तियों में, सी कांटों में और डी सी दोनों में, डी कांटों में। तो नागफनी का करेक्ट आंसर इज तने में। फ्रेंड्स नागफनी प्रकाश संश्लेषण होता है तने में। नागफनी प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तने में। नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण होता है तने में होता है फ्रेंड्स, तने में। क्वेश्चन नंबर 8 पौधे में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तीन सुमेलित हैं। फ्रेंड्स इस ऐसे क्वेश्चन में आपको सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना आपको। तीन ऑप्शन करेक्ट हैं, एक इनकरेक्ट है। तो नहीं है बताना। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। जल का खनिज तक स्थानांतरण करता है, क्या ये असत्य है? जल को खनिज पत्तियों तक पहुँचाता है, क्या असत्य है? फूल का प्रकाशन क्रिया करना यह असत्य है या पत्ती वाष्पोजन क्रिया? आप बताएंगे। आप मैं जब तक वेट कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 8 का सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द फूल प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलेंगे। सुमेलित कीजिए, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चार ऑप्शन में सुमेलित करना है। फल क्या है, सब्जी क्या है, अनाज क्या है, मसाले क्या है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में बताएंगे। ये देख लीजिए ऑप्शन, आप एक कूट के ऑप्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, आई होप आपने टिक कर लिया होगा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 का मैं बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट का फल क्या है? काजू फल है। सब्जी क्या है? सरसों। अनाज क्या है? चना अनाज में आता है। मसाला लौंग इज द करेक्ट आंसर। अब चलें क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है। आप फ्रेंड्स आप बताएंगे वृक्ष कौन सा नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चार ऑप्शन बताना है वृक्ष कौन सा नहीं है। क्या पीपल, सुंदरी, कीकर, केला? आई होप केला इज द करेक्ट आंसर। केला वृक्ष नहीं है, केला वृक्ष में नहीं आता फ्रेंड्स, केला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 प्रक्रिया जिसके पौधों से प्रजनन करते हैं कहते हैं कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन, परागण। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का है प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते कहलाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पीकरण, संघनन और परागण। आई होप आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। मैं करेक्ट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो परागण जिसमें पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है परागण। परागण इज द करेक्ट आंसर। परागण। क्वेश्चन नंबर 12
सम्मिलित नहीं है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। फ्रेंड टीचिंग में मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन बनने लगे आजकल। चार ऑप्शन देंगे और चार ऑप्शन में बताएंगे किस कौन सा करेक्ट आंसर नहीं है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, साग मेथी झाड़ी गुलाब वृक्ष कीकर लता धनिया। तो आपको कौन सा नहीं है, तो साग मेथी, साग मेथी इज द करेक्ट आंसर। झाड़ी गुलाब, साग मेथी इज द करेक्ट आंसर, झाड़ी गुलाब करेक्ट आंसर, वृक्ष कीकर लता धनिया इज द इनकरेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इज लता धनिया। आपके सामने 30 नंबर का क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का, जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर इज पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों के द्वारा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलेंगे अपन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 14 का जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताएंगे। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर। प्रकाश संश्लेषण पादपों द्वारा कौन सी अवशोषित होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे अपन। 15 में कूट दिया गया, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। लौंग व केसर, लौंग व केसर फूलों से प्राप्त होते हैं। केला कद्दू और तोरई जैसे फूलों खाया जाता है। फूलों घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे आप। तो ये लौंग व केसर फूल से प्राप्त होते सही है। केला व कद्दू तोरई क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। फूलों घाटी उत्तराखंड में सही है। तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं कौन सा तत्व नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन में सावधानी, ऐसा क्वेश्चन आप दो बार जरूर पढ़िएगा। कौन सा तत्व नहीं है, जैसे नाइट्रोजन, कीट भक्षी पादप नाइट्रोजन कार्बन सल्फर पोटेशियम। 16 का है ए इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 इसका निर्माण है अंडाशय होता है जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं। वह परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। उपरोक्त कथन में किससे संबंधित है। 17 का आंसर बताएंगे। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, फल, फल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 मोनेरा विषाणु प्रोटिस्टा जीवाणु फ्लोरा जंतु जगत फौना कवक। क्वेश्चन नंबर 18 का आप बताएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर, फ्लोरा जंतु जगत, सी इज द करेक्ट आंसर, फ्लोरा जंतु जगत इज द करेक्ट आंसर, फ्लोरा जंतु जगत में आता है, बाकी ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे अपन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के में हमारे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्सीजन उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे फ्रेंड्स। 19 का सी इज द करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन पौधों से बाहर निकलने वाली गैस है। क्वेश्चन नंबर 20 रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें गहराई तक जमीन के भीतर जाती हैं जब तक कि पानी ना पहुंच जाए। ऐसे इस पेड़ की जड़ों की गहराई, इस पेड़ की ऊंचाई लगभग 30 गुनी होती है। यह कहाँ पाया जाता है, तो रेगिस्तानी कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। तो रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, मतलब यहाँ ऑस्ट्रेलिया और अपने यहाँ मेघालय में पाया जाता है, भारत के मेघालय में और विश्व में ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ के जड़ों की नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा दो बार पढ़िए, जड़ों की नहीं है। आपसे क्वेश्चन बनेगा भी, बट आप ये नहीं है नहीं पढ़ेंगे तो आप सही बनते हुए क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसका आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें खम्भों की तरह पेड़ में सहायता करती हैं। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। तो इसमें चार ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, घटपड़ी पौधा नेफेदिंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 का बताएंगे, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। 22 का सी इज द करेक्ट आंसर। सी मेंढकों कीटकों और चूहों की जलाबू को फंसा कर खा जाता है। फ्रेंड्स घटपर्णी पौधा नेफेदिंस ये मेघालय में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष को सही कथनों को चुनिए, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ABCD के अकॉर्डिंग आप कौन सा सही है कौन सा गलत है आप बताएंगे। 23 का तो 23 में यह वृक्ष मुक्ता रेगिस्तानी है, खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तानी में पाया जाता है, सही है, इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, सही है, यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया बच्चे खेलना पसंद करें, राइट। तो ABC इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा आकार पौधे के लिए नहीं है? जड़ का कौन सा आकार पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडार संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना। 24 का आंसर ए इज द करेक्ट आंसर, भोजन भंडारण संचित करना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? जलोद्भिद कमल, लवणोद्भिद बरगद, समोद्भिद मक्का, मरुद्भिद कैक्टस। 25 का बीज द करेक्ट आंसर। लवणोद्भिद बरगद। क्वेश्चन नंबर 26, विसर्पी लता से संबंधित। फ्रेंड्स एक दिन और विसर्पी लता का आया था, तो मैंने आपको बताया था खीरा पुदीना खरबूजा विसर्पी लता से संबंधित है, मतलब कौन कौन सा है? तो 26 का डी इज द सॉरी खरबूजा विसर्पी लता में आएगा, खरबूजा इज द करेक्ट आंसर। बीजांड पाया जाता है फल में, फूल में, पत्ती में, तने में, बीजांड किसमें पाया जाता है? आपके सामने 27 का बी इज द करेक्ट आंसर, बीजांड फूल में पाया जाता है, फूल में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा पौधा यह बताने में समर्थ होता है कि फसल को कभी कब पानी की आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता किसको होती है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 28 का बताएंगे आप। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। 28 का बी इज द करेक्ट आंसर, बी क्रोटन इज द करेक्ट आंसर, क्रोटन। क्वेश्चन नंबर 29, चमेली का तेल उसके से निकाला जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताएंगे चार ऑप्शन में से। बी इज द करेक्ट आंसर, चमेली का तेल फूल से निकाला जाता है, फूल इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पर चलेंगे अपन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पौधे वातावरण में ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ाते हैं, मॉर्फिन औषधि अफीम में मिलती है, पौधे क्षण मात्रा के लिए अफीम, मॉर्फिन औषधि। आपको 30 का क्वेश्चन बताना है, 30 का ए करेक्ट आंसर है, बी भी करेक्ट आंसर है, पौधे क्षण के लिए उत्तरदायी होते गलत है, मतलब ए और बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ आप अपने मार्क्स जरूर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, आप 30 आउट ऑफ कितने, और आपको मेरे क्वेश्चन मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन लाऊंगा फ्रेंड्स मैं, बहुत ही अच्छा लाऊंगा, आप नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। जब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।